आज की वीडियो में हम करेंगे रेंट फ्री हाउस का एक न्यूमेरिकल। यहाँ आपको न्यूमेरिकल गिवन है, यहाँ गिवन है मिस्टर अनूप सेन हैज़ फर्निश्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है। किसको जो हाउस मिल रहा है मिस्टर अनूप को, वो कौन सा हाउस है? फर्निश्ड हाउस है, ठीक है। उसमें मतलब कि हाउस भी मिल रहा है उसको, प्लस उसके साथ फर्नीचर भी उसको मिल रहा है। उसके बाद नीचे आपको गिवन है सैलरी पर मंथ में, डीएनएस अलाउंस गिवन है, अगेन पर मंथ में गिवन है, और ब्रैकेट में गिवन है इट एंटर्स इनटू द पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब कि जितना भी कंप्लीट है, ठीक है, ये जितना भी कंप्लीट अमाउंट है ये हम लेंगे सैलरी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 पर मंथ का, ठीक है। ये आपको पता है जो हमने पहले अलाउंसेस किए थे तो वहाँ आपने देखा होगा कि ये वाला जो अलाउंस है ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसके बाद बोनस एंड लास्ट में आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, 1,20,000। उसके बाद आपको केस गिवन है, पहला केस है कि अगर कहते हैं मिस्टर अनूप सेन वो क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो एंड उसका जो रेंट है रेंट ऑफ फ्री हाउस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इस 2,500 पर मंथ, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपका जो भी हमने कितना अमाउंट टैक्सेबल करना है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होगा। यहाँ फिक्स है 2,500 रुपये के पर महीने के अकॉर्डिंग उसका उसके रेंट, ठीक है, पे करना है। तो 2,500, ठीक है, एक महीने का, तो यहाँ हम करेंगे 2,500 × 12, ये क्या है आपका 30,000 रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये रेंट अमाउंट। उसके बाद देखिए ये तो है हाउस की अमाउंट, अब देखिए हाउस के साथ उसको उसका फर्नीचर भी मिल रहा था ना, तो उस फर्नीचर की कॉस्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट, ठीक है, वो थी 1,20,000, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे 10%, ये आपका आएगा 12,000। इसकी नेट टैक्सेबल जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन वो कितनी होगी 42,000, ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट है। उसके बाद आपका केस सेकेंड, मिस्टर अनूप सेन इज वर्किंग इन अ सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एट चेन्नई, पॉपुलेशन की यहाँ आपको प्लेस गिवन है, यहाँ आपको उस प्लेस की पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन है मोर देन 25 लाख, ठीक है। ये हमने पहले ही बताया था अगर आपकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है देन हम कितनी रेशियो लेंगे उसकी 15% ऑफ लेंगे अपनी सैलरी का, ठीक है। उसके बाद है एंड फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ अ हाउस इज 8,000 पर मंथ, अब देखिए इस ये फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है, जो आपको, ठीक है, हाउस मिलता है एम्प्लॉय को, उस एम्प्लॉय को जो हाउस मिलता है उस हाउस की जितनी भी वैल्यू होती है, ठीक है, वो भी हमने इग्नोर करनी होती है, प्लस ये जो FRA होती है फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है, ये भी हमने इग्नोर करनी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो जो हाउस है, ठीक है, एम्प्लॉय को देने की बजाय हम किसी और, ठीक है, देते किसी और पब्लिक को देते तो उससे हमने कितना चार्ज करना था 8,000 पर महीने के अकॉर्डिंग चार्ज करना था, ठीक है, तो ये किसी काम के लिए हमारे लिए, तो ये क्या होगा इग्नोर। देखिए तो यहाँ आपको क्या गिवन है, हमको प्लेस गिवन है, ठीक है, तो ये प्लेस के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे उसकी वैल्यू। अब देखिए सैलरी हम निकालनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे सैलरी में क्या क्या काउंट होगा, 25,000 हमें है एक महीने की सैलरी, ठीक है, तो वो हम करेंगे 25,000 × 12, ये आपका आएगा 3 लाख, ठीक है, सैलरी है हम आपकी। उसके बाद DA, ठीक है, DA कंप्लीट का है तो हम भी कंप्लीट लेंगे, 5,000 है पर महीने के अकॉर्डिंग, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ये आपका आ गया 60,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है DA, ये गिवन है अपना एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन, ठीक है, ये भी आपको पता फुली टैक्सेबल होता है, तो 6,600 × 12, ये आपका आ गया 7,200। नेक्स्ट है आपका बोनस, ये भी कंप्लीट 16,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वो अभी काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये सभी आपकी सैलरी है, इसको प्लस कर दूँगी मैं, इन सबको प्लस करने पे आपकी टोटल सैलरी कितनी आ रही है 3,83,200, ठीक है। अब देखिए आपको पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, पॉपुलेशन के बेस पे हम निकालेंगे टैक्सेबल अमाउंट, तो पॉपुलेशन कितने गिवन है 25 लाख, तो 25 लाख से अगर ज़्यादा कहते हुए पॉपुलेशन आपकी तो जितनी भी आपकी सैलरी है, ठीक है, उसका हम क्या लेंगे 15%, तो 3,83,000 का हम लेंगे 15%, ये आपका आ रहा है 57,480, ठीक है, ये है आपकी रेंट की टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद आपको अगेन जो हाउस मिल रहा था, ठीक है, उस हाउस में क्या था फर्नीचर था, तो वो हम फर्नीचर की कॉस्ट भी ऐड करेंगे इसमें, प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, जो कि कितना था 12,000, ठीक है, जो हमने पहले निकाला हुआ था, तो प्लस 12,000, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा नेट वैल्यू इतनी, ये है आपकी टैक्सेबल हाउस रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस की अकोमोडेशन, ठीक है, केस सेकंड में। उसके बाद आपका केस थर्ड है, इसमें क्या आपको क्या गिवन है, कहते कि अगर मिस्टर अनूप सेन क्या है, कहते वर्किंग है इन अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है, वो काम करते हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी गिवन है आपको चंडीगढ़ की बिलो 10 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है एंड द रेंट ऑफ द हाउस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, कि वो जो हाउस मिला अपने एम्प्लॉय को मिस्टर अनूप को, कहते वो जो है
उसके बॉस ने, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर ने क्या किया, कहते किराए पर लेके उसको दिया, ठीक है। और वो जो बॉस है उसका, वो कितना पैसा पे कर रहा है उस रेंट का, उस हाउस का 6,000 एक महीने का, ठीक है, रेंट पे कर रहा है। उसके बाद ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द हायर रेफ्रिजरेटर हुज हायर चार्जेस इज़ 600 पर मंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कि उसने अब जो है उसका बॉस, ठीक है, मिस्टर अनूप सेन का, उसके बॉस ने मिस्टर अनूप सेन को एक तो हाउस, ठीक है, लेके दिया रेंट पे, किराए पे लेके दिया, ठीक है, प्लस उसके साथ उस हाउस के साथ एक रेफ्रिजरेटर भी लेके दिया किराए पे, ठीक है। दोनों का आपको रेंट की अमाउंट गिवन है। अब देखिए, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, अगर जो हाउस है, ठीक है, जो एम्प्लॉय को मिलता है, अगर वो एम्प्लॉय का खुद का है, देन हम किसकी कैलकुलेशन होगी, पॉपुलेशन के बेस पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है, जो कि हमने केस सेकंड में किया था। केस सेकंड में क्या है कि जो उसको हाउस मिलता है एम्प्लॉय को, वो कहते हैं अपने उसके बॉस ने किराए पर लेके दिया, ठीक है। तो उस पर हम दो चीज़ें लेंगे, एक तो लेंगे उसका रेंट जितना वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, सेकेंड हम क्या लेंगे, 15% ऑफ अ सैलरी, किसकी एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। दोनों में से जो कम होगा वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। तो देखिए यहाँ हम क्या फर्स्ट कर लेंगे, दोनों पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, जितना वो रेंट पे करता है, रेंट उसने कितना पे किया है, रेंट पेड यह 6,000 है पर मंथ का, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 72,000, ठीक है, पूरे साल का। उसके बाद क्या था, यहाँ तो आप लेंगे 15% ऑफ आ सैलरी, ठीक है, तो वो हमने पहले ऊपर ऊपर वाले केस में निकाला था, ठीक है, ये हमारी अमाउंट सेम आएगी 5,748, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कम कौन है, ये वाला कम है, तो ये क्या होगा आपका, टैक्सेबल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये जो उसने रेफ्रिजरेटर दिया, ठीक है, उसको अपने एम्प्लॉय को किराए पे लेके, इसका भी तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो ये हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कितनी कॉस्ट है, 600 रुपया एक महीने का, ठीक है, तो इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 7,200, ठीक है, ये भी हम उसको उसमें हमने प्लस कर दिया। उसके बाद आपका ये है कि जो उस हाउस में, ठीक है, पहले से फर्नीचर है, ठीक है, उसकी कॉस्ट में हम ऐड करेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये हमने पहले निकाला था 12,000, ठीक है, तो ये सेम का सेम यही आएगा। तो यहाँ तीन वैल्यू आ गई, ठीक है, एक तो रेंट की वैल्यू आ गई, एक तो मतलब हाउस की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक आ गई एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेटर की वैल्यू, एक आ गई जो फर्नीचर उसके साथ उसको पहले ही मिला था, ठीक है, उसकी वैल्यू, तीनों को प्लस करेंगे आपका टोटल आएगा 7,680, ठीक है। ये है आपका केस थर्ड।